और हमारे पुलिस राज हुए और जिला के पास हुआ पांच सांसद हमारे घर से लोकसभा के सदस्य हुए। प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया जाए। पटना के अम्बेडकर छात्रावास में आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस गए थे। इस दौरान मंच से जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भाषण दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने आज जिक्र जो है वो चिराग पासवान का किया। कहा कि मेरे परिवार में पांच सांसद हैं और सबों का नाम लिया और कहा कि ये तो एक रिकॉर्ड की बात है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को लेकर बड़ी मांग जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज पशुपति पारस जो हैं वो मंच से बोले हैं। अब पूरा बयान सुनिए उनका। कबीर पंच के संत कबीर पंथी थे और हम तीन भाई हुए, पासवान जी हुए, सकेंद्र मैं था और हमसे छोटे भाई प्रिय रामचंद्र पासवान जी थे। हमारे पिताजी डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित होते बोले बोले बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि मेरा घर बहुत सुदूर देहात में था, टापू में था, आज भी अब खतपुर बन गया है, रोड बन गया है। उसमें हमारे गांव में स्कूल नहीं था, बड़ी मुश्किल से हम लोग तीनों भाई बोरा लेके चट्टी लेके स्कूल में जाते थे और पढ़ते थे। आज मेरे पिताजी का देन है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सपनों को हमारे पिताजी ने साकार किया। एक दलित परिवार से पांच लोकसभा का सांसद हुआ, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखने वाली बात है कि हम लोग तीनों भाई लोकसभा के सांसद हुए और हमारे प्रिंस राज हुए और जिला के पास हुआ पांच सांसद हमारे घर से लोकसभा के सांसद हुआ। तो ये पासवान जी का सपना था, गरीब हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, नौजवान हो, वो उनमें कुछ ईश्वरी देन था। वो अपने मंच पर अधिकार लोगों को बाई नेम बाई नाम पुकारते थे, उनकी अंदाज बहुत तेज थे। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में आप लोग देखे भैया पासवान जी ने जो संजय गांधी को पार्लियामेंट हाउस में जवाब दिया था, शायद आज तक किसी लोकसभा के सदस्य का जवाब नहीं दिया। तो साथियों, समय बहुत कम है, पासवान जी को लोग सकेत अम्बेडकर मानते थे, आप लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते थे पासवान जी को सकेत अम्बेडकर मानते थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच आज भी घर घर में व्याप्त है। और पासवान जी जो नारा लगाते थे, उस घर में दिया जलाता हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, सही में आज सभी घर में अंधेरा नहीं है, लेकिन कुछ घर में अंधेरा है, आज भी अंधेरा है, उसको उजाला करने की जरूरत है। तो मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस मंच से भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि जिस व्यक्ति को सकेत अम्बेडकर कहा जाता था, जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन 50 वर्ष का हुआ, वैसे महान विभूति को मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया जाए। यदि सब लोग आपका सहमत है, सहमत करके हाथ उठा दो, हाथ उठाइए, पासवान जी को भारत रत्न से उपाधि मिलना चाहिए, रहते हैं मिलना चाहिए। इन्हीं बात इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और मैं आप लोगों से, आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद सभी हमसे छोटे उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, तो हमारे छोटे भाई हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, संगठित होइए, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्त के लोगों को, आपके टोले मोहल्ले में जो गरीब परिवार है, दियाद है, गुदिया है, सबको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, यही हमारी याद है, प्रार्थना है। अंत में आप एक बार नारा लगा दीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।